बिहार में एक कहावत है कि जेठ तवे तब अषाढ़ लवे, यानी जेठ में बहुत गर्मी पड़ेगी तो अषाढ़ में बारिश होगी। लेकिन इस बार का वाकया बहुत अलग है। ये दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ बेतिया का, जहाँ कई गांव व मोहल्लों में पानी भर चुका है। बगहा की हालत बहुत ख़राब है। पुलिस लाइन में गुनौली नौरंगिया गाँव में पहाड़ी नदी का पानी ऑलरेडी घुस चुका है और लबालब होने की वजह से खाना भी नहीं बन पा रहा। कई गाँवों की हालत बहुत ही ख़राब है। पिछले बार के समय ही पहाड़ी नदी का बांध टूटा था, उसकी मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी बगल में है। कल ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक गांव में बाघ देखा गया वहां पर और गांव के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्कूल, कॉलेज, गोडाउन, ये आप देख रहे हैं, गोडाउन के अलावा जो दुकानें हैं उसमें पानी आपको दिख रहा है बहता हुआ। कई गांव ऐसे भी हैं जिसके फुटेज हमें अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जहां छत के बराबर पानी दिखाई दे रहा है और हालत बहुत ही गंभीर होती जा रही है। प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा अभी तक। कल पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जरूर एक हाई लेवल मीटिंग की थी और समीक्षा की थी, लेकिन अचानक यास तूफान के कारण पहले ही जो निचले इलाके हैं वहाँ पानी भरा हुआ है और फिर उसके बाद मानसून जो इस पर पहले आया है 12 और 13 के जून के बीच, उसने भयंकर तबाही मचाई है। पिछले 48 घंटों से उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, झारखंड, बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और ये स्थिति मुझे लगता है मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक बने रहने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं ये दृश्य और कल्पना कर सकते हैं कि जब आषाढ़ का महीना आएगा, सावन आएगा, तो बिहार में क्या होने वाला है।